हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलेशनशिप मरीन ज्ञान। दोस्तों, बहुत से लोगों को चाहत होती है कि वो मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाएं, और बहुत सारे वो यूट्यूब पे वीडियो चेक करते हैं जिसमें सिर्फ एडवांटेज ही होता है कि क्या बेनिफिट्स है मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने का, लेकिन उनको कोई ये नहीं बताता कि मर्चेंट नेवी में डिसएडवांटेज क्या है, क्या आपको आप क्या मिस कर जाओगे अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लोगे तो। दोस्तों, बहुत से लोगों मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन 2 या 3 ईयर्स में वो क्विट कर जाते हैं क्योंकि उनको ये लाइफ पसंद नहीं आती है। तो दोस्तों, इसमें क्या ऐसी बात है कि उनको ये लाइफ पसंद नहीं आती? तो आज हम आपको ये इस वीडियो में ये पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि अगर वो आगे चल के उनको कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनके पेरेंट्स जो पैसा इन्वेस्ट किए रहेंगे उनके ट्रेनिंग में वो वेस्ट जाएगा। तो दोस्तों, आप ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिए। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो पहला है दोस्तों कि इसमें आपका कोई परमानेंट जॉब नहीं है। आपका कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन करोगे तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद उतर के आएंगे तो आपको हो सकता है उसी कंपनी में दूसरे जहाज पर जाना हो, या हो सकता है आपको कंपनी भी चेंज करनी हो। तो ये इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी क्या है कि जैसे अगर आप यहाँ पे लैंड पे कोई जॉब करते हैं तो इसमें आपको जो मैं आपके साथ जो आपके साथ काम करने वाले पब्लिक होगी वो सेम होगी, बहुत रेयरली चेंज होती है। बट आप मर्चेंट नेवी में अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको हर टाइम न्यू शिप और न्यू पीपल मिलेंगे। तो ये इसको आप बेनिफिट भी ले सकते हैं, इसको आप डिसएडवांटेज में भी कंसिडर कर सकते हैं। बेनिफिट्स ये है कि आपको नए लोग से मिलने का मौका मिलेगा, नए जहाज़ देखने का टाइम मिलेगा, लेकिन आप लोग को इसका डिसएडवांटेज ये है कि नए लोग से फिर वही तालमेल बिठाना पड़ेगा, उनका सुनना पड़ेगा, उनको झेलना पड़ेगा। तो सेकंड है कि इसमें क्या है कि जब तक आप काम करेंगे तभी तक आपको सैलरी है, आप जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ आप जहाज से उतरे आपकी सैलरी बंद हो जाती है, उसके बाद आप जितना दिन आप घर पर रहेंगे उसकी कोई सैलरी नहीं। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये मर्चेंट नेवी में। दोस्तों, जब आप जहाज पर जाते हो, साइन ऑन करते हो, तो आप घर से 6 महीना, 9 महीना, 4 महीने के लिए अलग हो जाते हो। तो उस समय आपको अपने वाइफ की, पेरेंट्स की, दोस्तों की बड़ी याद आती है, बच्चों की बड़ी याद आती है। तो उसकी वजह से स्टार्टिंग में कुछ दिन प्रॉब्लम होती है तो उसको होम सिकनेस बोलते हैं। बहुत लोग ये सह नहीं पाते और वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही छोड़ के अपने पैसे से जहाज से उतर आते हैं। चौथा दोस्त ये पॉइंट है कि सी सिकनेस होता है जहाज में। जहाज में साइक्लोन्स आते हैं, हेरिकेन्स आते हैं, वेदर रफ होता है जिसकी वजह से जहाज रोलिंग एंड पिचिंग करता है। तो दोस्तों, सी सिकनेस में बहुत मुझे खुद वोमिटिंग हुई है बहुत बार। तो ये बहुत बुरा होता है जब सी सिकनेस किसी को लगता है। तो दोस्तों, जब आप 9 महीना घर जहाज पे काम करके आएंगे, सोचेंगे कि हम अपने फैमिली के साथ रिलैक्स करें, इंजॉय करें, तो दोस्तों कंपनी आपको बहुत सारी ट्रेनिंग बता देगी कि ये ट्रेनिंग करके आओ। उसके बाद नए रेगुलेशंस आते हैं, वो ट्रेनिंग आपको करनी होती है, तो जिसमें से आपका आधा हॉलीडे तो इसी में चला जाता है आपको ट्रेनिंग करते हुए। दोस्तों, इसमें कोई पेंशन नहीं है, जितने दिन आप काम करोगे उतने ही दिन आपको सैलरी मिलेगी। इसलिए आपको मेरा सजेशन है कि आप अपने पैसे को बचाएं, SIP, FD या और बिजनेस में इन्वेस्ट करें, जिससे आपके अगर आप मर्चेंट नेवी में रहें तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो बुढ़ापे में। दोस्तों, ये तो थी, बट सबसे मेन डिसएडवांटेज है जैसे आपके घर पे कोई ज़रूरत का काम पड़ा, या आपके घर पे कोई आपके पेरेंट्स या आपकी वाइफ बीमार पड़ी, या आपकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और आपको अर्जेंट घर पे जाना है, तो हो कभी कभी क्या होता है कि आप पोर्ट में नहीं हो तो आप उस समय आप जब आपको पेरेंट्स की, आपकी वाइफ को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो उस समय आप उनके लिए अवेलेबल ना हो पाए। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में बताया कि क्या क्या डिसएडवांटेज है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। तो दोस्तों, आप सोच समझ के इस लाइन में अपना कैरियर बनाइए, नहीं तो आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट जाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, हम जल्द ही उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करके आपको भेजेंगे। दोस्तों, थैंक यू।